कुछ करने का जज्बा हो तो ना गरीबी आड़े आती है और ना ही हमारी कम पढ़ाई। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहती हूँ जो ना तो बहुत पढ़ी लिखी थी और ना ही अमीर। आज हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की, जिनकी 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में शादी हो गई, वो भी अपने से काफी बड़े पुरुष के साथ, और ससुराल में उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब उनके पिता 6 महीने बाद उनसे मिलने आए तो बेटी की दुर्दशा देखकर अपने साथ ले आए तो आस पड़ोस के लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। हर तरफ से दुखी कल्पना को लगा कि अब जीना मुश्किल है और मरना आसान। उन्होंने जहर की बोतलें खरीदी और उसे लेकर बुआ के यहाँ चली गई। बुआ के घर में तीनों बोतलें साथ पी ली। जब बुआ कमरे में घुसी तो देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहे हैं। अफरा तफरी में डॉक्टर की मदद से मुश्किल से जान बच पाई। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब कल्पना को नया जीवन मिला तो उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया है, तो इससे अच्छा है कि कुछ करके जिया जाए। 16 साल की उम्र में वे मुंबई अपने चाचा के पास चली गई। कल्पना सिलाई का काम जानती थी तो उनके चाचा ने उन्हें एक कपड़ा मिल में नौकरी दिलवा दी। वो मशीन चलाना अच्छे से जानती थी पर वो इतनी नर्वस थी कि उनसे मशीन ही नहीं चली, इसलिए धागे काटने का काम दिया जिसके उन्हें रोज के 2 रुपए और महीने के 60 रुपए मिलते थे। उन्होंने कुछ दिन धागे काटने का काम किया और जल्द ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और मशीन चलाने लगी, जिसके लिए उन्हें महीने के 225 रुपए मिलने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने कल्पना जी को झकझोर कर रख दिया। उनकी बहन बहुत बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण उनकी मौत हो गई। तभी उनको एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी तो गरीबी है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उन्होंने अपने छोटे से घर में कुछ सिलाई मशीनें लगवा ली और 16-16 घंटे काम करने लग गए। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे पर ये काफी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने की सोची। वे सरकार से लोन लेने का प्रयास करने लगी। 1 महीने चक्कर लगाने के बाद उन्हें पता चला कि अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे, तो इसके लिए वे तैयार नहीं थी। और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था और लोन दिलाने में मदद करता था। ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और कल्पना जी की पहचान भी कई बड़े लोगों से हो गई। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का लोन लिया और फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। बाद में कल्पना ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। फिर उन्होंने 2.5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि जमीन विवादित है, उस पर कुछ नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने 1.5-2 साल भाग दौड़ करके सारे मामले सुलझा लिए और 2.5 लाख का प्लाट 50 लाख का बन गया। इस कारण इलाके के गुंडों ने उनकी हत्या की साजिश बनाई, पर ये उनके अच्छे कर्मों का ही फल था कि हत्या से पहले किसी ने साजिश के बारे में बता दिया और पुलिस की मदद से वे गुंडे पकड़ लिए गए। इसके बाद कल्पना जी अपने पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखने लगी और उन्होंने अपने दुश्मनों को साफ साफ चेतावनी दे दी कि तुम मुझे मारो, जान लो मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं, 6ठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। ये मामला शांत होने के बाद उस जमीन पर बिल्डर के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन करवाया गया, जिससे उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। कल्पना के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले उनके मुरीद हो गए और मुंबई में उन्हें पहचान मिलने लगी। इसी पहचान के बल पर कल्पना को पता चला कि 17 सालों से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने को कहा है। कंपनी के कामगार कल्पना से मिले और कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद की अपील की। ये कंपनी कई विवादों के चलते 1988 से बंद पड़ी थी। कल्पना ने वर्करों के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। कल्पना ने जब कंपनी संभाली तो कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का सरकारी कर्जा था। कंपनी की जमीन पर किराएदार कब्जा करके बैठे थे। मशीनों के कलपुर्जे या तो जंग खा चुके थे या चोरी हो चुके थे। मालिकाना और लीगल विवाद थे।
पर 3,500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने सबसे पहले 10 लोगों की कोर टीम बनाई, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई कि किसका कितना बकाया रुपया है। उसमें बैंक, गवर्नमेंट और उद्योगपतियों के पैसे थे। इस प्रक्रिया में उन्हें पता चला कि कंपनी पर जो उधार था उसमें आधे से ज्यादा का कर्जा पेनल्टी और ब्याज के पैसे हैं। कल्पना जी तत्कालीन वित्त मंत्री से मिली और बताया कि कमानी इंडस्ट्रीज के पास कुछ है ही नहीं, अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का पैसा माफ करा देते हैं तो हम क्रेडिटर्स का मूलधन लौटा सकते हैं, और अगर ऐसा न हुआ तो कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करने ही वाला है, इससे बकायेदारों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बैंकों को कल्पना जी के साथ मीटिंग करने के निर्देश दिए। वे कल्पना जी की बात से प्रभावित हुए और न सिर्फ पेनल्टी और ब्याज माफ किए, बल्कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर द्वारा जेन्युइन एफर्ट्स को सराहते हुए कर्ज मूलधन से भी 25% कम कर दिए। कल्पना जी 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थी और 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्रीज का मालिक बना दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल्पना जी को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए, जो कि उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। कोर्ट ने उन्हें वर्कर्स के बकाया वेतन भी 3 साल में देने को कहे, जो उन्होंने 3 महीने में ही चुका दिए। ये कल्पना जी का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन गई है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया, और कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। सचमुच कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भी परे है और हम सभी को संदेश देती है कि हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।